हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज इस एक्सेल के बेसिक लर्निंग कोर्स में हम आज रनिंग टोटल के बारे में बात करेंगे। रनिंग टोटल का मतलब होता है, जैसे ये 35 लिखा, तो 35 में यहाँ पर 35 लिखा हो, बट इस सेल में 35 प्लस 23 ऐड अप हो, फिर इस सेल में 35, 23 और 76 ऐड अप हो गए, यहाँ पर लिखा हो, तो जिसे हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बस हमें वही चीज़ यहाँ पर करनी है। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो उसको हम कैसे एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं, आइए इसको समझ। तो इसके लिए बस जो बातें आपको ध्यान रखनी है, इक्वल का साइन लगाएंगे, चूँकि हमें सम करना है सम लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे, फिर जिस नंबर को लेना उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके पहले टू के पहले हम एक डॉलर साइन पुट करेंगे, सिर्फ डॉलर साइन। तो शिफ्ट के साथ हमने ये डॉलर लगा दिया, इसके बाद कॉलन का साइन लगा देंगे और फिर इसी सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम प्रेस इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो नंबर ही लिख के आ गया, 35 35। लेकिन जैसे ही आप इसे ड्रैग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 35 प्लस 23 गिव्स 58, 58 प्लस 76 गिव्स 134 एंड 134 प्लस 43 गिव्स 175। तो आपको यहाँ पर ये एक छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी मदद से हम आसानी से रनिंग टोटल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। से लाइक करिए, शेयर करिए। मैं लगभग सारी टिप्स एंड ट्रिक्स विद इन 2 और 3 मिनट्स में लाता रहूँगा। वो वीडियोस केवल 1 से 2, 2 से 3 मिनट के होंगे, जिसमें आप नई नई बातें सीख सकें। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।